कल की के कितना सी भी देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने क्या क्या किया था उसका एक बार छोटा सा हम रिवीजन करेंगे फटाफट। देखो, तो कल हमारी पहली क्लास थी रेडियो एक्टिविटी की, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते, और वो अपने आप स्पॉन्टेनियस अपनी मर्जी से ही ब्रेक होने लगते हैं, और वो सारे के सारे जो हैं वो आपको तीन तरह की रेट्स देते हैं, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा गामा का छोटा सा टॉपिक आज भी है हमारे पास, उसको हम कंप्लीट करते हुए फटाफट आगे चलेंगे। तो ये आ गया हमारे पास सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ एट दैट टाइम, और इन्होंने बोला कि भाई जब मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, बीटा निकलेगा तो मेरे पास एटॉमिक नंबर एक ऐड हो जाएगा, गामा निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड देन वी वर हैविंग रेडियो एक्टिव डीके लॉ, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी रदरफोर्ड की। और रदरफोर्ड ने ये सारी की सारी फॉर्मेशन बना कर दी, और मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना, इसको भी हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये मेरे पास बन गया था फार्मूला, दिस वॉज टिपिकली अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। मैं पूरे सैंपल की बात कर रहा हूँ, एक न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं मेरे पास। अच्छा, 1 किलो यूरेनियम पड़ा है, मैं 1 किलो के सैंपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने पाया कि भाई इतने टाइम में 36.8% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच जाएंगे, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ से मैंने डीके कांस्टेंट लैम्डा की डेफिनेशन डिफाइन कर दी आपके सामने, चलो। और उसके बाद मैंने डिफाइन किया रेडियो एक्टिविटी सैंपल, रेडियो एक्टिव सैंपल की रेडियो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को हमने डिफाइन किया आर से, एंड आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी। और आई फाउंड कि जो मेरी एक्टिविटी है, द रेट एट विच द डिसइंटीग्रेशन इज हैपनिंग, मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया था चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खाने की स्पीड भी जो है वो भी आपकी रिड्यूस हो रही है, और वो भी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड ही है। बिल्कुल मैथ्स को फॉलो करते हुए ये न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होगा। उस वक्त भी, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई ऐसा क्यों होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक ऐसे फिनोमिना को फाइंड किया है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियस ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एंड दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्व्स, यूरेनियम से हटके वो अपने आप को थोरियम में कन्वर्ट कर रहा है जो हमारे पास एलिमेंट है। बट व्हाई इट इज इट डूइंग, एंड हाउ दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, कि इसमें से कौन से न्यूक्लियस को कब ब्रेक होना है ये कौन डिसाइड करता है हमें नहीं पता, कौन सा पार्टिकल यहाँ पर बचा रहेगा और कौन सा पार्टिकल टूट जाएगा हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इतना हमने पढ़ा था कल, एंड वी आर कॉलिंग इट रेडियो एक्टिविटी वन। तो आज मैं रेडियो एक्टिविटी क्लास टू के नाम से हमने इसको हमने स्टार्ट किया है। सुनो, चलो, तो अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके के बारे में हम पहले ही पूरी की पूरी बात कर चुके हैं, बट आज थोड़े से ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, डायग्राम के साथ बात करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज लिखते हैं हम रेडिएशन, रेडिएशन। तो रेडिएशन मेरे पास सबसे पहली रेडिएशन जो है दैट इज अल्फा रेडिएशन, ठीक है। तो अल्फा रेडिएशन में हमने यहां पर लिखा कि अल्फा बेसिकली है क्या, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ एक यूरेनियम 238 एंड 92 का एग्जाम्पल लूंगा। अपनी मर्जी से ब्रेक हो गया ये न्यूक्लियस, अपनी मर्जी से, स्पॉन्टेनियस, हमने नहीं कुछ किया, अपनी मर्जी से थोरियम बन गया 234, 90 का ये था, और मेरे पास ये हीलियम पार्टिकल न्यूक्लियस बन गया 2+, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन कोई हो ही ना, 2+ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास है अल्फा पार्टिकल के साथ निकले, और साथ में निकली बहुत सारी हीट। इस रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को हम ऐसे शो करेंगे, देखो ये रहा मेरे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस, इसमें जब डीके हुआ इसको बोलते हैं हम पेरेंट न्यूक्लियाई, या फिर टारगेट, टारगेट तो बाद में बोलेंगे, इसको पेरेंट न्यूक्लियाई बोलेंगे। और ये बन जाएगा मेरे पास अल्फा डीके, और मेरे पास जो न्यूक्लियस बच गया दैट इज नोन एज अ डॉटर न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस के नाम पे हमारे पास क्या है, थोरियम का न्यूक्लियस। तो ये वाला न्यूक्लियस हट गया, अब मेरे पास नया बन गया।
लेकिन अब ये थोरियम के बाद हमारे पास गामा रेडिएशन भी निकल रही है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये, चलो मैं अभी गामा भी पहले बता देता हूँ, बीटा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बताते हैं आपको गामा रेडिएशन के बारे में। गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन आप देख सकते हो यहां पर, गामा रेडिएशन आप देख सकते हो, मैंने ये यहां पर हमारी डायग्राम में बना हुआ है। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, एक्साइटेड स्टेट में, तो ये डॉटर न्यूक्लियस थोरियम जो है ये अभी फिलहाल एक्साइटेड स्टेट में है, बाद में जब ये डीएक्साइटेशन हो जाता है थोरियम का, तो जो एनर्जी यहां पर रिलीज होगी दैट विल बी द गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गामा रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फोटॉन्स ऑफ विच विल बी इमिटेड ओनली व्हेन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डीएक्साइट। तो जैसे बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार मेरी भी यहां पर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्लैरिफाई नहीं है, न्यूक्लियन कह सकते हैं, उनकी एक एक्साइटेड स्टेट होती है। जब वो डीएक्साइटेशन में जाते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है विच इज हैविंग, नाउ दिस एनर्जी जो भी आपके पास रेज आई, has a very high frequency, has a very high frequency and very short wavelength. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और हमारे पास जो वेवलेंथ है इसकी बहुत ज्यादा छोटी है। हम सबको पता है मैक्सवेल के टाइम पर हमने सारा का सारा हमने बना लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, वी ऑल नो दैट गामा रेज दे अटेन द टॉप नॉच पोजीशन इन दैट स्पेक्ट्रम, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ये होता आता कहां से है, ये आती है जब आपके न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे। मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, आपको याद होगा कि गामा रेडिएशन आपकी तभी निकलती है जब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए या न्यूक्लियर कोई ना कोई सिस्टम बन जाए, तो वहां से गामा रेज आती है। यूजेस क्या होते हैं इनके, इनके यूजेस होते हैं ये कैंसर ट्रीट करने के भी बड़ी बार काम आता है, बट इट्स नॉट कि एवरी कैंसर कैन बी ट्रीटेड, इट्स नॉट लाइक दैट। तो कुछ कैंसर्स होते हैं जो इसमें इस थेरेपी से ठीक होते हैं बट नॉट दैट वेरी हाई, अदरवाइज ये जो गामा है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पेनिट्रेशन पावर हमने देखी थी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना, जिसमें लिखा था 30 सेंटीमीटर आयरन वॉल को ये क्रॉस कर सकती है। चलो तो अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, नाउ दिस इज बीटा रेडिएशन। तो अभी तक जो हमने किया वो तो चलो ज्यादातर चीजें आपको उसमें से नोन थी, लेकिन बीटा रेडिएशन में देयर विल बी सम थिंग्स व्हिच विल बी न्यू टू यू। अब देखो, अब बीटा रेडिएशन एक्चुअली में दो टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। तो बीटा प्लस मैं आपको बाद में बताता हूं, बीटा माइनस क्या होता है ये देखते हैं पहले। सबसे पहली बात तो अब हमें यह पता है कि बीटा इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जैसी ही प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल की, वो जो पार्टिकल है उसका मास इलेक्ट्रॉन जितना है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन जितना ही है, जिसके कारण हम उसको इलेक्ट्रॉन ही कह देते हैं, बट एक्चुअली में इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन। तो टू डिफरेंशिएट वी कैन कॉल इट, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बीटा रेज are the series of nuclear electrons. अब देख सकते हो आप, I have given it a new name, nuclear electrons. We are not calling it electron, क्योंकि ये वाले electron में और जो बाहर electronic configuration के अंदर जो electrons हैं उनमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है,
वो इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दीज इलेक्ट्रॉन्स इवन व्हेन नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, फिर भी आपके न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? सो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और इसमें एक रिएक्शन मिलेगा नाइट्रोजन न्यूट्रॉन का। सो न्यूट्रॉन विल फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन, और इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल निकलेगा, इसको एंटी न्यूट्रिनो भी बोलेंगे, क्यू भी बोलेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन टूटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी हमने किया था, न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ तो दो चार्ज पार्टिकल निकले, तो प्रोटॉन इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज। नाउ बिकॉज अब मैंने यहां पर लिख दिया बिकॉज दिस पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट हैज सेम चार्ज एंड मास एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट वॉज नेम्ड इलेक्ट्रॉन ओनली। इसको हमने इलेक्ट्रॉन ही कहने लग गए, देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली। ओके, जो मैं आपको डिफरेंस कह रहा हूं कि मैंने इसको न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन बोल दिया, सिर्फ इसलिए बोल दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन डिफरेंट है, बट अदरवाइज बोथ आर टिपिकली सेम। जब उनका मास सेम है, चार्ज सेम है, तो सेम ही हुआ ना, तो वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज मेरे पास बन गई। अब इस रिएक्शन को अभी आपको ध्यान से देखना है। वेट ए मिनट,
ओके बच्चा लोग, मेरा इंटरनेट फिर से कट ऑफ हो गया था, सॉरी फॉर दैट। कब कट ऑफ हुआ है आपको पता है? कहाँ से दोबारा से करवाना है? हेलो, है आइडिया नहीं सर, याद नहीं, आइडिया चलो, नहीं था। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आप देख लो ध्यान से, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निकला उसका मैंने यहाँ पर रिएक्शन दे सर दिया। हाँ बच्चे, स्क्रीन शेयर कर दो। हो गई स्क्रीन शेयर? हाँ जी सर, ओके, इंटरनेट बहुत बुरा चल रहा है आज, कभी ऑन कभी ऑफ, सब कुछ ऐसे चले जा रहा है, बट एनीवेज होपफुली अब प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो अब मेरे पास, मैंने ये वाला रिएक्शन आपको पहले बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से है, तो जब मैं इसको एक्चुअल रिएक्शन में देखूंगा तो दिस विल बी द एक्चुअल रिएक्शन। फॉस्फोरस था, सल्फर में कन्वर्ट हो गया। यू कैन सी दैट द एटॉमिक नंबर हैज इंक्रीज्ड, लेकिन एटॉमिक मास रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि आपका एक न्यूट्रॉन यहां से हटके प्रोटॉन बन गया, तो आपके मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन आपका जो एक प्रोटॉन था वो जो पहले नहीं था वो अब है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं बीटा प्लस का। बीटा प्लस, ओके। तो अब यहां पर देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास होता है। तो सबसे पहले तो इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस भी मिले जिसमें प्रोटॉन ब्रेक हुआ, और प्रोटॉन ब्रेक हो गया तो मेरे पास न्यूट्रॉन बन गया। लेकिन अगर न्यूट्रॉन बनेगा तो ऑब्वियसली मुझे इसके चार्ज को इक्वल करना होगा, तो यहां पर प्लस वन आएगा और ये जीरो आएगा। अब आप देख सकते हो कि यहां पर अगर मैं इनको प्लस करता हूं, 1 + 0 विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0, 0 + 1 इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1। लेकिन अब मेरे पास यहां पर जो पार्टिकल आया है, आई कैन नॉट कॉल इट एन इलेक्ट्रॉन, व्हाई? बिकॉज द चार्ज इज नाउ पॉजिटिव। तो इस चीज को मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, आई हैव गिवन इट अ न्यू नेम, एंड व्हाट इज दैट? पॉजिट्रॉन। तो इसको मैं पॉजिट्रॉन बोलूंगा। इसके साथ में एक और चीज निकलेगी, ये। तो सबसे पहली बात तो, नाउ देयर इज एन इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल विच इज पॉजिटिव इन नेचर। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर आपके पास पॉजिट्रॉन बन गया है, ठीक है? दूसरी चीज बेटा, यहां पर ये ध्यान रखना, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये आपके पास जो है ये एंटी न्यूट्रिनो है, और जो अब यहां पर आया आपके पास, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। दिस इज न्यूट्रिनो, दैट वन वॉज एंटी न्यूट्रिनो, और यहां पर हम बार रखेंगे, यहां पर बार नहीं होगा। ये छोटे छोटे कुछ और इधर उधर की चीजें थी जो बाहर निकली जब रिएक्शन हुआ। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनका ना कोई मास है ना कोई इनके ऊपर चार्ज है। तो यहां से मेरे पास पॉजिट्रॉन आ गया, और अब मेरे न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या इमिट हो गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, पॉजिट्रॉन हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड सेम चार्ज एज दैट।
जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इनटू 10 पावर 9 माइनस 19 उतना ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। बच्चे समझ में आ गया? अब इसका एक न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब ये रिएक्शन है मेरे पास सोडियम का इसका डिके हो गया अपनी मर्जी से, खुद ही हो गया, हमने कुछ नहीं किया है। एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका एक कम हो गया है, नियॉन में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर मेरे पास एक चार्ज बन गया है, इसको लिखेंगे वन, यहां पर लिखेंगे जीरो, ठीक है, और इसके साथ मेरे पास आएगा न्यूट्रिनो। बच्चों ये चीज समझ में आ गई? हाँ भी बेटा, यस नो में आंसर दो फटाफट। हाँ जी सर। चलो जी, तो ये दोनों आपके पास हो गए। तो नाउ वी नो दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा। बीटा जो है वो दो तरह का होता है, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, और वो बीटा माइनस और बीटा प्लस क्यों होता है, कैसे होता है, अब आपको वो भी पता चल गया। तो नाउ अब तक हमने क्या 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 चीजें कर ली हैं, हमने जो कल रेडियो एक्टिविटी की थी, हमें अब ये पता चल गया कि अगर मैं एक रेडियो एक्टिव सैंपल लेकर आऊंगा, लेट से एक किलो का सैंपल लेकर आता हूं, तो उसमें कुछ एक वेरिएशन होती है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ किया था। तो लेट मी टेक दिस ग्राफ फ्रॉम दिस प्लेस, मेरे पास यहां पर पड़ा है, वेट ए मिनट। चलो, तो ये है मेरे पास ग्राफ। तो अब देखते हैं, अब यहां से मैंने देखा कि मेरे पास लाइक ये वाला ग्राफ मुझे मेरे पास बन रहा था, और रदरफोर्ड का फॉर्मूला था n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी। इस फॉर्मूले को अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ बना। तो इसमें बना क्या, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बना, एक न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं हुई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात हुई, मतलब जैसे कि मैं यहां पर बोलूं कि मेरे पास रेड कलर के जो है वो 100 ऐसी डॉट्स हैं, वो अपने आप में वो कन्वर्ट हो जाएंगी एक आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बिकम 50% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। अब मैं आपको ये हम फाइंड करने वाले हैं कि इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 50, तो वी विल कॉल इट हाफ हाफ लाइफ। सो वी नो दैट एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो हमें रदरफोर्ड दे गए। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एन नॉट बाय हाफ कब होता है, मुझे उसके टाइमिंग फाइंड करनी है। मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया माइनस लैम्डा टी, एंड नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। सो हाउ विल आई डू इट, एन नॉट से नॉट कट गया, सो 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऑब्वियसली नेचुरल लॉग होगा ये, ठीक है ना। So this can be written as this. From here, I can write that t half is equal to ln 2 by lambda. और ln 2 की मुझे वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस चीज को आपको याद रखना है, दिस इज हाफ लाइफ। अभी बच्चों क्लियर होगी, ये हाफ लाइफ आ गया, मतलब लैम्डा क्या है मेरे पास, डीके कांस्टेंट, जो कि हर एलिमेंट का अलग है, एलिमेंट स्पेसिफिक है,
और मैं वहां से टीआर फाइंड कर सकता हूँ कि इतने समय के बाद अगर 1 किलो का सैंपल था तो वो रिड्यूस होकर 500 ग्राम रह जाएगा, हाफ के जी हो जाएगा। तो ये वाले एग्जांपल में यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3 और 4 लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये पहला हाफ लाइफ है, ये सेकेंड हाफ लाइफ है, ये थर्ड हाफ लाइफ है। मतलब आप पहले हाफ लाइफ पर कंसंट्रेट करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? चलो आज हम क्लास जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है ना, इंटरनेट नहीं आ रही थी। और फिर बाकी का कल करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, फिर इस चीज को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं और बाकी चीज बाद में देखते हैं। बाकियों को आवाज कैसी आ रही है मैम? हेलो, चलो ये मैं ऐसा करता हूँ, हाफ लाइफ भी कल दोबारा ही करवाएंगे। तो आज हमारी क्लास इतनी, ओके। और इसके बाद जो टॉपिक कल करते हैं, लेट अस सी, ठीक है। हाँ बच्चों, ठीक है।